नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? उर्वशी साहू। कहाँ से आए जी आप? ग्राम चीचा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं? हाँ, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 24 अक्टूबर 2016 को लिया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं कृष्ण को बहुत इष्ट के रूप में मानती थी, उसकी भक्ति करती थी और शनिवार का व्रत भी करती थी। मैंने 3 साल तक 93 शनिवार तक व्रत किया था। हमारे जीवन में इतना दुख आया कि परमात्मा की तलाश करते करते बहुत थक गए। और जैसे कि मैं बचपन से ही 7 साल की उम्र से ही मेरे घर के लोगों को बोलना स्टार्ट कर दी थी कि पूर्ण परमात्मा इस पृथ्वी पर आने वाले हैं और मेरे को अपने मिशन को सहयोग देने के लिए भेजे हुए हैं। वो समाज में व्याप्त बुराइयों को जड़ समेत मिटाएंगे, जैसे कि जहेज प्रथा, नशाखोरी, रिश्वत, ये सब जो है ना, उस सबको हटाएंगे और सतयुग जैसा समय स्थापित करने वाले हैं। और मेरे को 2016 में भी मिलने वाला है, ये भी बताया था। क्या आपको समय की जानकारी थी? आपको जो महापुरुष जिसके बारे में आप बचपन से अपने परिवार वालों को बताते रहे हैं, वो आपको कब मिलेंगे, क्या आपको कोई जानकारी थी? बस समय पता था और पूर्ण परमात्मा है ऐसे करके पता था। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में व्याप्त जो गुरु है ना, वो लोग कृष्ण को ही पूर्ण परमात्मा समझते थे, तो मैं कृष्ण को ही पूर्ण परमात्मा समझकर उसकी भक्ति करने लगी। कृष्ण को हमेशा अपने साथ रखती, स्कूल जाती थी तो उसके अपने बस्ते में छिपा कर ले जाती थी और देखती थी। स्कूल के जो हमारे सर मैडम हैं, उन लोगों से भी ज्ञान चर्चा करती थी कि पूर्ण परमात्मा ऐसा होता है, वो आने वाले हैं ऐसे करके, तो सभी से करने लगती थी। हमारे स्कूल के जो मेरे सहेली लोग थे, वो लोग बोलते थे कि आप संत के जैसे बोला करते हो, बिल्कुल संत के भाषा में बोलते हो, ऐसा करके मेरे को बोलते थे। और मैं बोलती थी कि जो कबीर साहब की जो दोहे हैं ना, वो मेरे को बहुत पसंद आते थे। ज्ञान चर्चा भी कबीर के दोहे में ही किया करते थे हम लोग स्कूल में। जो गायत्री मंत्र है वो भी जाप करती थी, रामायण का पाठ करती थी, गीता का। बचपन से ही बहुत पूजा पाठ करती थी सभी देव देवताओं की। आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आई? वो क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में सबसे पहले जब मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था तो मैं बहुत दुखी थी। उसके बाद कॉलेज से आई और वो सर मेरे से कम परसेंट वाले को दिए थे फॉर्म, लेकिन मेरे को नहीं दे रहे थे। तभी मैंने सोचा कि ये पूर्ण परमात्मा हो ही नहीं सकते कृष्ण, अगर पूर्ण परमात्मा होते तो मेरे साथ ये नहीं होता। बहुत हमारे जीवन में बहुत दुख आया, बहुत रोए हम लोग बहुत। जैसे कि मैं कोई अगर मार्ग में चलती थी तो दूसरे जो चले हैं तो उसी मार्ग में कुछ नहीं रहता था, और अगर मैं चली जाती थी उसी मार्ग में तो बहुत काटा काटा सोचा था। तो मैं जस्ट आई कॉलेज से, उसके बाद दोपहर को सो गई, थोड़ा सा नींद आया, उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे सपने में आए और वो साधारण वेशभूषा में थे और संत तो वो सब पाखंड के जैसे कि जटा, लंबे नाखून और बाल बढ़ाए, दाढ़ी लंबी, वो सब थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे नहीं थे। तो मैं बोली मेरी मम्मी को बोली कि मम्मी एक संत आए थे, लेकिन वो बोल रहे थे मेरे को कि आपका एडमिशन हो जाएगा बेटा, आप चिंता मत करना। लेकिन मैं जानती भी नहीं थी वो संत है, लेकिन आत्मा जो है परमात्मा को पहचान लेते थे, लेकिन मेरी आत्मा ने पहचान लिया कि वो संत ही हैं। उसके बाद मेरी मौसी थी एक, तो वो बोली कि मेरे गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, आप भी उससे नाम दीक्षा ले लो। तो मैं बोली कि वो आपके गुरु नहीं है, वो तो मेरे भी गुरु हैं, मैं उससे भी नाम दीक्षा लूँगी ऐसे करके। और जीवन से बहुत हार चुकी थी तो संत रामपाल जी, तब तक तो आपको नाम पता ही नहीं था जब आपकी मौसी जी ने आपको बताया कि मेरे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हैं, लेकिन तब तक तो आप जानते ही नहीं थे कि ये संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो आपने अपनी मौसी जी से ये कैसे कहा कि ये मेरे भी गुरु हैं? वो क्या है ना कि आत्मा परमात्मा को पहचान सकते हैं, इसी प्रकार मेरे आत्मा ने भी गवाही दिया, तभी मैंने कहा कि ये भी मेरे गुरुदेव हैं। उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। देखिए, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है तो उसको आध्यात्मिक लाभ होते हैं, भौतिक लाभ होते हैं, शारीरिक लाभ होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया, आपको क्या लाभ हुआ? सबसे पहले मेरे को लाभ तो आध्यात्मिक हुआ। मैंने एक दिन परमात्मा से कहा था कि गुरुजी मेरे को इस लोक में रहना नहीं है, मेरे को सतलोक जाना है, मुझे नहीं रहना परमात्मा। तो गुरुजी एक दिन आए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी और बोले कि बेटा आपको मैं आज रात को सतलोक ले जाऊंगा ऐसे करके। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी आए, मेरे हाथ पकड़ कर बोले कि चलो जाएंगे सतलोक ऐसे करके, अपनी मम्मी को बता देना बेटा ऐसे करके बोले। तो मम्मी को जस्ट मैं बताई कि मम्मी मैं सतलोक जाने वाली हूँ, आप डरना मत, मेरे को कुछ नहीं होगा, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे साथ है ऐसे करके। क्या उस टाइम पे आपके माता पिता ने या आपके घर वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे परिवार वालों ने, मेरी मम्मी ने भी नाम दान लिया था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद
गुरुजी आए और मेरे हाथ पकड़ कर ले गए। उसके बाद जस्ट हम लोग जस्ट पहुँचे काली रंजन के लोग, काली रंजन का लोग जहाँ पर आए वहाँ पर मैंने कहा कि गुरुजी मेरे को काल से बहुत डर लगता है, मैं नहीं देखूँगी उसको, ऐसे करके आँख बंद कर ली। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद हम लोग त्रिकुटी पे आए, त्रिकुटी पे परीक्षा हुआ वहाँ पर, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी वहाँ छुप गए। उसके बाद जो बहुत सारे देवी देवता हैं ना, अपने अपने लोगों का प्रलोभन लेकर मेरे पास आए। बहुत बाजार जैसा था वहाँ पर, बहुत सारे प्रलोभन दे रहे थे मेरे को कि आपको ये पद दूंगा, ये पद दूंगा, ऐसा करके। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत रोई मैं, बहुत रोई, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो पूर्ण परमात्मा चाहिए, मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी चाहिए। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को मैंने बहुत ढूंढा, उसके बाद एक कोने में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे को दिखे। उसके बाद दौड़ते दौड़ते गई और परमात्मा को रोते रोते गले से गाली कि गुरु जी आप मेरे को चाहिए, बस दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए परमात्मा, बस मैं आपको चाहती हूँ और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे को उठा कर कहा कि बेटा ऐसा ही तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर हंस में ऐसा ही गुण हो। सतलोक जाते समय परमात्मा ने मेरे में पूरा सील संतोष विवेक क्षमा जो सतलोक जाने का जो गुण होता है ना व्यक्ति में, वही पूरा स्थापित कर दिए थे। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, मैं ही कबीर परमात्मा पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आया हूँ बेटा, लेकिन संसार के लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, इंसान में इतना अहंकार घर कर गया है कि मेरे को समझना ही नहीं चाहता है। मैं ही पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में आया हूँ, जिसने असंख्य ब्रह्मांड की रचना की है, और मेरे बिना इंसान एक तिनका भी नहीं उठा सकते, लेकिन इतना अहंकार है कि इंसान मुझको समझना ही नहीं चाहता है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, बहुत जल्द सतयुग जैसा समय स्थापित होकर ही रहेगा। मैं चाहूँ तो पल भर में मंत्री सभी की बुद्धि को बदल सकता हूँ, लेकिन मेरा कुछ मिशन है बेटा और लीला करने वाला हूँ, उसके बाद मैं बहुत जल्द सतयुग जैसा समय स्थापित करूँगा। उसके बाद गुरु जी ना मेरे को सतयुग जैसा समय है उसमें ले गए, तो मैं बोली कि गुरुजी ऐसा ऐसा होगा बेटा, देखो ऐसा करके पूरा भविष्य मिलेगा। तो मैं गुरुजी से बोली कि गुरुजी हम लोग जाएंगे वहीं पर, चलो ना रहेंगे ऐसा करके। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा हाँ बहुत जल्द रहने वाले ना, आप चिंता ना करो जी। उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? पहले गुरुजी मेरे को ब्रह्म विष्णु महेश के लोक में गए, ले गए। उसके बाद काली रंजन का जो गुप्त लोक रहता है ना महासी रूप में, वहीं पर ले गए। उसके बाद वहाँ गए, उसके बाद देखे कि बहुत बड़ा शिवलिंग था वहाँ पर। उसके बाद वहाँ प्रवेश करते ही जस्ट इतना बेकार धुन था वहाँ का, बहुत ही खराब था, मेरा सर दर्द होने लगा। तभी मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी ये क्या है ऐसे करके। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा ये तो शिव का लोक है जहाँ गुप्त रूप में रहते हैं काली रंजन। तो मैंने कहा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कि गुरुजी मुझे इस लोक में नहीं रहना है, इस लोक से बाहर चले जाएंगे, चलो ऐसे करके। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी वहाँ से बाहर लेकर आए, तो जब भी उस लोक का याद आता है ना तो वो धुन आते ही बहुत सिर दर्द होने लगता है, बहुत ही बेकार है उस लोक का धुन। उसके बाद हम लोग नरक लोक में देखें, नरक लोक में ना काली रंजन जो तपतशिला में सभी जीवों को भूर रहे थे, गर्म तेल डाल रहे थे, बहुत गर्म खंभे पे बांध कर सभी जीवों को उसका जो बुरे कर्म का फल दे रहे थे। और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा कि देखो बेटा ये लोग मेरे भक्ति नहीं किए इसीलिए तो इसका ये हाल है, लेकिन अगर मेरे को ये अभी भी मेरे को पुकारेंगे तो मैं तुरंत दौड़ा चलाऊंगा। परमात्मा ही पर थे, मैं देखी। उसके बाद मैंने कहा कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ये लोग तो अपना मनुष्य जीवन ही बेकार कर गए, परमात्मा आपको नहीं पहचाने ऐसे कर। तो परमात्मा कहे बोले कि कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सभी समझ जाएंगे मेरे को ऐसे कर। उसके बाद कहाँ जाते हैं आप? उसके बाद हम लोग अंदर प्रवेश किए तो पूर्ण अंदर कहाँ सतलोक के अंदर प्रवेश किए। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गरीबदास जी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज और दादूदास जितने भी गए थे सतलोक सभी संतों से मिलाया वहाँ पर सत्संग के। परमात्मा इतना शांति, इतना बहुत अच्छा वातावरण था वहाँ का, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ कुछ भी नहीं है वैसे, वहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण था। और क्या देखते हैं आप सतलोक में? अक्सर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से बात होती है हमारी, जो सतलोक में जाकर के सतलोक का वर्णन करते हैं। आपने सतलोक में क्या क्या देखा? मैंने सतलोक में वहाँ पर बहुत सारे जो है जीव आत्माएं थी सतलोक में, उन लोगों से मिला। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आपको कुछ खाना ऐसे करके। तो मैं बोली कि नहीं गुरु जी मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहना हमेशा, ऐसे करके बोली। उसके बाद वहाँ जो ना सेब संतरे वहाँ के पेड़ इतने लतफत थे, मैं देखकर बोली कि जमीन को टच करने वाले भी थे। तो बोली कि यहाँ का तो फल तो खराब होगा जमीन से टच हुआ है तो ऐसा करके। तो वहाँ के हंस लोग जो थे वो लोग बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता, सतलोक में कोई भी चीज़ खराब नहीं होता, ऐसा करके बोले।
उसके बाद आप क्या देखते हैं और क्या वर्णन करना चाहेंगे आप? वहाँ पर हमने दूधों की नदियाँ देखी, बहुत अच्छे गार्डन थे, यहाँ ऐसा है ही नहीं। अच्छा, देखिए हम इस संसार में देखते हैं कि बहुत सारे जीव जंतु हैं जो तड़प रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, आपसे लड़ाई देखते हैं, आपसे राग द्वेष देखते हैं, किसी की बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, किसी की छोटी बिल्डिंग देखते हैं, इस प्रकार की बातें भी क्या आपको सतलोक में देखने को मिली? नहीं, ऐसा नहीं, वहाँ सभी समान दृष्टिकोण से हैं। देखिए आपने अपनी माता जी को बताया कि संत रामपाल जी महाराज मुझे सतलोक लेके जाएंगे, आप चिंता मत करना। कितने दिन तक आप इन लोगों की सैर करते रहते हैं और कब आप अपने शरीर में आते हैं? इसके दौरान भी आपने कुछ देखा हो तो आप हमें बताइए। उसके बाद जब मैं सतलोक चली गई थी तो मेरे घर के लोग बोलते थे मेरे मम्मी को कि ये क्या हो गया, ये कुछ भी नहीं कर रही है, बोल भी नहीं रही है, हम लोगों से बात नहीं कर रही, क्या हो गया इसको, इसको भूत प्रेत पकड़ लिए हैं, कैसे करके बोलती थी जो जगत थे ना आधे लोग, वो लोग बोलते थे। तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी इसको सतलोक लेकर गए हैं, आप लोग चिंता मत करना ऐसे करके। कितने दिन तक आपका शरीर पड़ा रहा ऐसे? 3 दिनों के लिए ले गए थे मेरे को सतलोक। क्या 3 दिन तक आपका शरीर अचेत पड़ा रहा आपके घर पे? मेरा शरीर अचेत पड़ा था और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरी आत्मा को सतलोक लेकर गए थे। उसके बाद जब आप अपने शरीर में पुनः आते हैं तो उसके बाद क्या मतलब किस नज़र से लोग आपको देखते हैं और क्या रिएक्ट आपका होता है, आपके परिवार वाले आपसे क्या बात करते हैं? उसके बाद मेरे परिवार वाले बात करते हैं कि क्या हो गया था तेरे को, ऐसे करके बोलते थे, जो पिछले घर में जो भी घटना हुआ था वो सब बोलते हैं। तो मैं बोलती थी कि मेरे को नहीं पता ये सब क्या क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं रहना इस लोक में, मुझे जाना है मेरे लोक में जहाँ से मैं आई हूँ, मुझे रहना ही नहीं, करके बहुत रोती थी। मेरी मम्मी बोलती थी कि क्या हो गया है, अरे सतलोक गई थी ना इसीलिए सब हो रहा है, वहाँ का वहाँ पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को ले गए थे, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये काल का बहुत बड़ा खेल है। कितनी अचरज वाली बात है बहन जी कि लोग नहीं विश्वास कर पाते इस बात पे कि मरने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बता रही हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक ही बात बोलते हैं जो आपने बताई, इसी तरह का नज़ारा वो भी सतलोक में देख करके आए हैं और वो आकर के हमारे साथ शेयर करते हैं। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जो लोग ये मानते हैं कि सतलोक जैसी कोई चीज़ ही नहीं है या स्वर्ग नरक जैसी कोई चीज़ नहीं है, मरने के बाद किसने देखा है, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा है, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमको दिखाया है कि स्वर्ग नरक भी है और उससे ऊपर सतलोक है पूर्ण परमात्मा का, जहाँ जाने के बाद इंसान वापस नहीं आता इस संसार में। लेकिन आज जिस तरह का घटनाक्रम है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, लोग कैसे समझ पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है जिस तरह से आप बता रही हैं और आपको सतलोक लेके गए हैं और आपको सब कुछ दिखाया है, आप खुद एक गवाह हैं, तो आप कैसे लोगों को समझा पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी को मानना कितना ज़्यादा जरूरी है लोगों के लिए? एक बार हमारे घर में हमारे जो मामा जी थे, पहले नाम दीक्षा नहीं लिए थे, मैं उसी के घर में रहती हूँ, तो वो बोले कि आप हमेशा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बोलते रहते हो, थकते नहीं हो उसके नाम लेते हुए, तुम्हारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जेल से बाहर आकर दिखाए तभी मैं मानूंगा उसको पूर्ण परमात्मा। तो मैं बोली कि नहीं, आप ऐसा उसको चैलेंज नहीं कर सकते, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे चैलेंज मत किया करो आप उसको ऐसे कर। तो बोले कि नहीं, आकर दिखाए तभी मैं मानूंगा। उसके बाद उसी दिन रात को 11 बजे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे घर में आए, उसके साथ 4 भगत जी भी लोग थे। उसके बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज जी 10 मिनट तक बहुत दरवाजे के पास ही खड़े रहे, मेरे मामा ने देखा, गर्मी के दिनों था तो बिस्तर पर वो वहीं पर आंगन में सोए हुए थे, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को देखा, उसके बाद बुलाए हाथ जोड़ कर कि आओ महाराज जी आओ ऐसे करके बैठो ऐसे करके बोले। उसके बाद हम लोगों को बुलाने के लिए चले गए कि आपके गुरु जी आए हैं, चलो चलो ऐसे। बहन जी आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह की बातें आप बता रही हैं ये सपने की बात है या हकीकत की बात है? नहीं, ये सपने की बात नहीं है, ये वास्तविकता है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे घर में आए हुए। ये सब हकीकत में घट रहा था आपके मामा जी के साथ? हाँ, ये हकीकत है, रात को 11 बजे की बात है। जो आपके मामा जी मानने को तैयार नहीं थे, जो आपके मामा जी कह रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, संत रामपाल जी महाराज जी उनको दिखाई दे रहे थे? हाँ, उसी को दिखाई दे रहे थे, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ये प्रूफ किए उसको कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, मैं जेल से बाहर भी आ सकता हूँ, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो आपके मामा जी थे जो ये बोल रहे थे कि आपके गुरु जी जेल से बाहर नहीं आ सकते, तो फिर उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है इस बात को लेकर के? वो क्या है ना कि वो बोलते थे कि मैं कभी जुड़ूंगा ही नहीं, मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए मर जाऊंगा पर भी इसे नहीं लूंगा। लेकिन ऐसा दिन आया कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने नाम दीक्षा लिया और उसकी बीमारी भी ठीक हो गई। इसके अलावा आप कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगी?
सर, मैं एक और अनुभव बताना चाहती हूँ कि मैंने सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया, तभी एक दिन मैं तालाब में ऐसा ही पैर धोने के लिए नीचे उतर रही थी, तभी सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आप पैर को नीचे मत रखना, वहाँ पर बहुत नुकीला चीज़ है, आपके पैर चुभ जाएगा। उसके बाद जस्ट मैंने निकाल कर देखा, जस्ट पैर रखने वाली थी वही जगह पर, तो वहाँ पर किसी ने शराब की शीशी को पीकर फोड़ दिया था, वो बहुत नुकीला था, अगर चुभ जाता तो बहुत मेरा पैर कट जाता। एक बार सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गई थी, तभी सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था कॉलेज में, एडमिशन नहीं हो रहा था। मैंने जब 10th क्लास में थी ना, तो बहुत मेरे साथ अन्याय हुआ, बहुत दुख है हमारे जीवन में। फर्स्ट ईयर का एडमिशन के लिए मैंने 12th का, उसके बाद मेरे साथ बहुत बुरा होता है करके मैंने अपने मार्कशीट और TC को फाड़ दिया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मेरे को रेगुलर करना है, तो क्या करूं ऐसे करके। उसके बाद सोचा कि क्या करूं, तो सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आप चिंता क्यों करते हो मेरे रहते हुए, मैं हूं ना आपके साथ, हो जाएगा आपके एडमिशन। उसके बाद मैं वो सब डाली नहीं थी, मार्कशीट और TC मेरे पास था ही नहीं, तो मैं नहीं डाली थी, और दूसरे डॉक्यूमेंट्स डाली थी। तो वहाँ मैडम के पास गई जस्ट एडमिशन के लिए, तो उन्होंने मेरा फॉर्म देखा, बहुत ही चेक किया स्ट्रिक्ट। तो क्या हुआ कि सद्गुरु रामपाल जी महाराज की दया से उसे पता ही नहीं चला कि मेरे में TC और मार्कशीट तो है ही नहीं। उसके बाद मेरे बाद जस्ट मेरी सहेली थी वो गई, तो उसका जो एक TC नहीं डाली थी उसके लिए उसको रिजेक्ट कर दिए। तो सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ हुए, एक क्या कहूँ, बहुत सारे। हमेशा प्रतिदिन सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी कुछ ना कुछ लाभ करते ही रहते हैं। देखिए सर, एक बार मैं सतनाम का जाप कर रही थी छत में, तो मैंने सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से कहा कि गुरुदेव हम लोग जो जाप कर रहे हैं वो कैसे जाता होगा, किसके लोक में ऐसे करके। तो सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी आए और बोले कि बेटा देखो ऐसे हमारे ब्रह्मांड करके एक बिंदु सा आया चांदी सा, उसके बाद पूरा फैल गया पूरा आसमान में, वायु निराकार है, हम देख नहीं सकते हैं ना, आभास बस कर सकते हैं उसको, लेकिन वायु की पूरा प्रकृति को दिखाया, उसके बाद दिखाया पूरा ब्रह्मांड को खोल दिया, पूरे ब्रह्मांड को खोला तो दिखाया कि देखो ये सबका लोक है, ऐसे जाता है जिसका ब्रह्मांड है उसी के लोक में ऐसे जो जाप करते हैं। बहन जी, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो मैं कुछ दे नहीं सकती, बस प्रार्थना यही है कि सभी भगत समाज से सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में कभी परमात्मा आए हुए हैं, सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ही विश्व में शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं जिससे हमारा कंप्लीट मोक्ष होगा, अतः सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना जन्म मरण का दीर्घ रोग कटवाए। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो मरने के बाद भक्तों के साथ और जगत सभी के साथ होने वाला, अतः आप सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगे तभी आपका ये जन्म मरण का जो दीर्घ रोग है वो कटेगा। मेरा जगत के सभी भाई बहनों से निवेदन है कि सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल करें। जी धन्यवाद। सत साईं।